दोस्तों, मेरा नाम अजवाल अहमद और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट व्लॉग। सो गाइस, गेट बैक विद अ न्यू वीडियो। और हमारी आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो है कि किस तरीके से हम लोग जो है ना बैटिंग के जो है ना अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ बैटिंग की मेन मेन टिप्स दूंगा कि अगर आप लोग नए नए बैट्समैन हैं, मेरी एज में आप लोग नई नई जो है ना बैटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है ना कुछ मैं मेन जो है ना बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूँ, बेसिक जो है ना टिप्स देने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से बैट को ग्रिप कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग बैट को पकड़ सकते हैं, किस तरह से आप थोड़ी बहुत शॉट खेल सकते हैं, बाउंसर यॉर्कर आप लोग किस तरह से जो है ना प्ले कर सकते हैं। तो फिर आप लोग जो है ना हमारी वीडियो शुरू से लेकर तक पूरा देखना, थोड़ा स्किप नहीं करना। तो फिर बिना वक्त जाए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अगर बेल के आइकन दबा दीजिएगा। हाँ, हमारे चैनल पर जो है ना हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी जो है क्रिकेट के ऊपर टिप्स डाली हुई हैं, ट्रिप्स और स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ जो है ना वीडियो डाली हुई हैं, कीपिंग बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए और जाकर देख लीजिए। और उससे क्या होगा, मैं आप हमारी सारी वीडियो को देख सकेंगे, किस तरह से देख सकेंगे। और आप अपकमिंग वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का आइकन आता ना, उसको लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। उसके जो भी हम अपकमिंग वीडियो आएगी ना, वो आपको जो है ना मिल जाएगी। तो फिर बिना बना वक्त के बगैर चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। चलिए गाइस, अपनी आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। बैट ले आता हूँ पहले, भाई ये हमारे पास बैठा आ चुका है और हमने ग्लव्स भी हाथ में पहने हुए। सर्दियों के मौसम में तो मैंने ये जो है दस्ताने पकड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिप होती है अगर आप लोग इससे जो है ना टेप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट हिटिंग के लिए सही नहीं होते। सबसे पहले आपके खड़े होने का स्टाइल क्या होना चाहिए, आप लोगों ने जो बैट को अगर आप लोगों ने ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है, आपने बैट को यहाँ पर रखना और जहाँ पर ये हाथ खत्म हो रहा है वहाँ पर से थोड़ा सा गैप देकर ना 1 इंच का गैप देके आपने दूसरे हाथ से बात को बैट को पकड़ना है। उसके बाद खड़े होने के आपके दो पैर है ना आपके मतलब के तिरछे खड़े होने चाहिए, ये मतलब के इस तरीके से, ठीक है, ये किधर खड़ा है तो ये किधर खड़ा है, ये बैट आपके पैर में नहीं। और जो आपको बैट है ना, अगर तो आप करें हिटिंग तो आपका बैट इन दोनों के दरम्यान में आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के दरम्यान पैर के दरम्यान में आपका बैट आना चाहिए अगर आप लोग हिटिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग खेल रहे टेस्ट मैच तो इनके आगे बैट आना चाहिए। तो अब इन दोनों का फ़र्क क्या है, क्या यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने हिटिंग करनी है ना तो हमें जो है ना बैट यहाँ पर रखना है, क्योंकि जैसे हमने बॉल आई है तो हमने बल्ला देकर शॉट लगा देनी है, हमने लगा देनी शॉट, बट अगर हम लोगों का बैट पीछे होगा तो हम लोग शॉट में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हमें सिर्फ गैप वाली शॉट खेलनी है टेस्ट मैच में, ठीक है, उसी तरीके से। ओके, अभी हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोगों के पास बाउंसर आ जाए तो बाउंसर को आराम 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 खेल सकते हैं। जब से आप लोग बाउंसर आ रहे हैं, आप लोग खड़े हैं टेस्ट मैच में, तो यहाँ पर अगर बाउंसर है ना तो आप लोग इस तरीके से जो है ना खेल सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप लोग स्लो बाउंसर है ना तो आप लोग इस तरीके से शॉट मारें इस जगह पर, ठीक है। और अगर आप लोग हिटिंग करनी है तो फिर आप लोग अगर आपने शॉट नीचे को मारे तो इस जगह पर, और हिटिंग करनी तो बैट को इस साइड पर घुमाना कि लेग पे जो पीछे जगह पर वो पाल जाए, मतलब कुछ इस तरीके से इस तरीके। उसके बाद एक और अगर बॉल फास्ट हो, बहुत ज़्यादा तेज बॉल हो तो आप लोग जो है ना उसको कट दे सकते हैं, थोड़ा सा एज दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, पीछे को बॉल जा सकती है। उसके बाद अगर आप लोगों ने कवर ड्राइव खेली तो वो तो आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर चलिए, तो